धर्म संस्थात्नार्थाय संभवानी युगे। भगवान कृष्ण ने ये उपदेश गीता में अर्जुन को दिया था जब दोनों सेनाओं के मध्य उनका रथ वहां पर पहुंचा। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ, मैं देखूं मुझे किससे किससे युद्ध करना है। और जब दोनों सेनाओं के मध्य रथ को ले जाते हैं तो देखते हैं मुझे तो सब अपने ही लोगों से लड़ना है। उस समय अर्जुन विचलित होते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने ये उपदेश दिया कि संसार में जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, उस समय किसी न किसी रूप में परम शक्ति का अवतार होता है। और जब शक्तियों का अवतार होता है तो इस समाज का उद्धार होता है। उसी क्रम में भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म जब द्वापर युग में हुआ, उस समय पूरे संसार में आतिताई शक्तियों का बोलबाला था। अत्याचार, अनाचार, इस समाज में इतनी विकृति आ गई थी कि परमात्मा को इस धरती पर आना पड़ा। भगवान कृष्ण हम सभी जानते हैं कि किन परिस्थितियों में उनका प्रादुर्भाव हुआ। भगवान कृष्ण की अगर हम बाल लीलाओं को देखें तो बाल्यकाल से भगवान कृष्ण 16 है गुणों से युक्त थे। भगवान राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम 12 कलाओं से युक्त थे और भगवान कृष्ण 16 कलाओं से युक्त थे। ज्ञान के अधिष्ठाता थे, फिर भी उन्हें गुरु के आश्रम पर जाना पड़ा। उन्होंने संदीपन गुरु के आश्रम पर जाकर के शिक्षा ग्रहण करी। यद्यपि वो सब कुछ जानकार थे, परमात्मा थे, फिर भी उनको गुरु के सानिध्य में जाना पड़ा और अल्पकाल में ही सारी शिक्षाएं उन्होंने प्राप्त कर। अगर उनके गुणों को देखा जाए तो किस प्रकार से वो बाल गोपालों के साथ खेलते थे, उनके साथ रहते थे,